अचानक आपने ऐसे नामांकन भरा, कब बताया गया आपको? सबको यही सवाल है सर। आई एम मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ। वॉर में सरप्राइज का बहुत बड़ा महत्व है। सियासत के खेल में कब क्या हो जाए किसको पता। कुछ बरसों पहले तक जो आपके साथ था, आज वो आपके सामने खड़ा हो जाए। मैनपुरी के करहल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपर्णा के करहल सीट से जेठ जी को टक्कर देने वाली खबरों पर पूर्ण विराम लगा और बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को करहल से मैदान में उतार दिया। वहीं एसपी सिंह बघेल, जो कभी नेताजी के सुरक्षा अधिकारी रहे, आज इस वीडियो में सत्यपाल सिंह बघेल के पुलिस की नौकरी से कैबिनेट मंत्री तक के सफर की पूरी कहानी। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन हैं एसपी सिंह बघेल। साल 1960 में जन्मे सत्यपाल सिंह बघेल फिलहाल मोदी सरकार में कानून राज्य मंत्री हैं और आगरा से बीजेपी सांसद। इटावा के रहने वाले बघेल एससी जाति से आते हैं। वो कानून में ग्रेजुएट होने के साथ ही विज्ञान में मास्टर्स और डॉक्टरेट हैं। कभी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे बघेल। समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होकर शुरू हुआ बघेल का सियासी सफर काफी दिलचस्प रहा है। 1989 में जब मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब एसपी सिंह बघेल उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। उन्हें मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में तैनात किया गया था। बघेल की निडरता, मेहनत और ईमानदारी ने मुलायम का दिल जीता और वो उनके काफी करीबी माने जाने लगे। साल 1998 में मुलायम सिंह यादव ने बघेल को जलेसर सीट से उम्मीदवार बनाया। वो लड़े, जीते और लोकसभा पहुंच गए। साल 1999 और 2004 में भी वो सपा के टिकट पर जलेसर से सांसद चुने गए। इसके बाद रामगोपाल यादव के साथ उनके रिश्ते खराब होने पर उन्हें सपा से निष्कासित कर दिया गया। यहीं से एसपी सिंह बघेल और सपा के रास्ते अलग अलग हो गए, सपा से बसपा और फिर बीजेपी। सपा से निकले बघेल बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के करीबी हो गए। साल 2010 में बसपा ने बघेल को राज्यसभा भेजा। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बघेल बीजेपी में आ गए। मुझे ताज्जुब होता है कि बहन जी जब कैबिनेट करती थीं तो 3.5 मिनट से 7 मिनट के बीच में कैबिनेट होती थी। मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी ने 15 मिनट में की। हमारी कैबिनेट 2 घंटे की भी होती है, 3 घंटे की भी होती है। 3 मिनट में कैसे डिस्कस हो सकता है? फौज वाले भी पूछते हैं कि एनी प्रॉब्लम, ये अलग बात है, सबॉर्डिनेट करते हैं, नो प्रॉब्लम सर, कोई शक नहीं। यहाँ तो वो भी नहीं पूछा जाता था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव के सामने चुनाव मैदान में उतारा था। हालांकि यहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर साल 2017 में बघेल बीजेपी के टिकट पर टुंडला से विधायक बने। उन्हें योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मंत्री रहते हुए बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें आगरा से टिकट दिया। यहां से भी बघेल ने शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद बीजेपी ने उन्हें केंद्रीय कानून राज्य मंत्री बनाया। अब राजनीतिक गुरु के बेटे को देंगे चुनौती। बीजेपी अखिलेश यादव को करहल सीट पर वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि पार्टी ने अखिलेश के सामने बघेल को प्रत्याशी बनाया है। एक तरफ अखिलेश बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं उन्हें सीधी टक्कर देने चुनावी रण में उतरे एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं उन्होंने अमेठी के किले को भी ढहते हुए देखा है। मैं एक बार पुनः कह दूं, कृपया डेमोक्रेसी में किसी को किला ना कहें। अगर वो किले हैं तो वो अमेठी के किले को मैंने ढहते हुए देखा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव की रणनीति में बीजेपी ने पलीता लगा दिया। जनता जो भी फैसला सुनाए, लेकिन तय है ये लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आज तक।